क्या आपको भी एमडीआर का दवा चल रहा है? क्या आपको भी एमडीआर का बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, टीबी एमडीआर टीबी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं एमडीआर टीबी मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसे हम कम कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि एमडीआर टीबी अगर हमें हो गया है, पहले तो ये बताएंगे कि एमडीआर कहते किसे हैं शॉर्ट में, उसके बाद एमडीआर टीबी अगर हमें हो गया है तो लॉन्गर रेजिमेंट क्या है और शॉर्टर रेजिमेंट क्या है। लॉन्गर रेजिमेंट में कितने दिन को दवा चलती है, शॉर्टर रेजिमेंट में कितने दिन में दवा चलती है, इसके बारे में बताएंगे और कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट है उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे ताकि आप सही से समझ सकें और अपना रेजिमेंट को सही तरीके से पूरा कर सकें। दोस्तों एमडीआर उसे कहते हैं जब फर्स्ट लाइन की ड्रग चार दवा में से कोई दो दवा अगर हमारे शरीर में रेसिस्टेंट कर जाती है, वह कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसे हम एमडीआर कहते हैं। जैसे रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड, ये दोनों दवा अगर हमारे शरीर में रेसिस्टेंट कर गई है तो उसे हम एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस में हमारे दो तरह के रेजिमेंट दी जाती है, किसी व्यक्ति को शॉर्टर रेजिमेंट दिया जाता है तो किसी व्यक्ति को लॉन्गर रेजिमेंट दिया जाता है। दोस्तों शॉर्टर रेजिमेंट में हमारी जो ड्यूरेशन होती है 9 महीने से 11 महीने तक का दवा खाना होता है। इसमें पहले शुरुआत के 4 से 6 महीने तक 7 तरह का दवा खाना होता है, जिसमें पहला दवा है बेडाकुलिन, दूसरा दवा है लिवोफ्लोक्सासिन, तीसरा दवा क्लोफाजिमिन, चौथा इथियम्बुटोल, पांचवा पाइराजिनामाइड, छठा हाई डोजेज ऑफ आइसोनियाजाइड एंड सातवा इथियोनामाइड। यह 7 तरह के दवा हमें खानी होती है शॉर्टर रेजिमेंट की शुरुआत के 4 से 6 महीना तक। 3 महीना दवा खाने के बाद फॉलो अप टेस्ट लिया जाता है हमारा। फॉलो अप टेस्ट हमारा कल्चर के लिए लिया जाता है कि बीच में अगर किसी व्यक्ति को अगर पॉजिटिव आता है तो इसे एक्सटेंड कर देते हैं और 2 महीना या 3 महीना और इसे एक्सटेंड किया जाता है बेडाकुलिन को छोड़कर। दोस्तों एक्सेप्शन में है, किसी किसी को बेडाकुलिन के साथ भी और किसी को विदाउट बेडाकुलिन भी 2 महीना या 3 महीना का एक्सटेंशन दिया जाता है आईपी में। दोस्तों उसके बाद हमें 5 महीना दवा और खाना पड़ता है जिसे हम लोग सीपी कहते हैं। सीपी मतलब कंटिन्यूएशन फेज, आईपी मतलब होता है इंटेंसिव फेज एंड सीपी मतलब होता है कंटिन्यूएशन फेज। शुरुआत में हमें 7 तरह का दवा चलता है 4 से 6 महीना तक, उसके बाद जो 5 महीना दवा चलता है वह 4 तरह का दवा चलता है। इन 4 तरह के दवा में वह है लेवोफ्लोक्सासिन, क्लोफाजिमिन, इथम्बुटोल और पाइराजिनामाइड। यह मुझे अगले 5 महीने तक खाना होता है। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि शॉर्टर रेजिमेंट में हमें दवाइयां ज्यादा खानी होती है लेकिन कम दिनों तक खानी होती है, 9 से 11 महीने तक खानी। यह हो गया हमारा शॉर्टर रेंज रेजिमेंट कंप्लीट। अब हम आते हैं लॉन्गर रेजिमेंट की। दोस्तों लॉन्गर रेजिमेंट में हमें 5 तरह का दवा दी जाती है जो आईपी और सीपी में बटी हुई नहीं है, बल्कि शुरुआत से लेकर के अंत तक सभी दवाइयां हमें खानी होती है। यानी कि 18 महीना या फिर 21 महीना मुझे 5 दवा खानी होती है, उसमें कोई आईपी और कोई सीपी अलग से सेपरेट नहीं किया गया है। शुरुआत के 6 महीना जो होता है उसमें बेडाकुलिन कंटेंट रहता है, यानी कि बेडाकुलिन को हम 14 दिन उसी तरह से खिलाते हैं जिस तरह से आईपी में हम लोग शॉर्टर रेजिमेंट में खिलाते हैं। 14 दिन हमें 400 एमजी यानी कि 4 कैप्सूल मुझे हर एक दिन खाना होता है 14 दिन तक। उसके बाद सप्ताह में 3 दिन खाना होता है 2 कैप्सूल, सोमवार बुधवार शुक्रवार या शनिवार मंगलवार और बृहस्पतिवार। सप्ताह में 3 दिन मुझे खाना होता है 200 एमजी। 6 महीना तक ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बेडाकुलिन बंद हो जाता है। बाकी क्या जो 4 दवाइयां हैं वो हमें कंटिन्यूअस खाना होता है। दोस्तों वह 4 दवाइयां में और कौन कौन से हैं? तो लिनेजोलिड, क्लोफाजिमिन, साइक्लोसिरिन और लेवोफ्लोक्सासिन। यह 5 तरह का दवा मुझे 18 महीने से लेकर 21 महीने तक खाना पड़ सकता है, खाना पड़ता है। किसी किसी व्यक्ति को 21 महीना और मैक्सिमम को 18 महीने तक खाना होता है। दोस्तों बेडाकुलिन मुझे सिर्फ 6 महीना तक खाना है, जो शुरुआत में 14 दिन तक मुझे 400 एमजी खाना है, उसके बाद सप्ताह में 3 दिन 200 एमजी करके खाना होता है। दोस्तों मैं एक चार्ट दे रहा हूँ, आपका बॉडी वेट कितना है, कौन सा दवा चल रहा है, कौन सा रेजिमेंट चल रहा है, उसके हिसाब से आपका बॉडी वेट के हिसाब से कौन सा दवाइयां कितना एमजी चलनी चाहिए वो आप देख करके अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कौन सी दवा कितना एमजी चल रहा है। दोस्तों इसमें 4 तरह का वेट बैंड बनाया गया है, जिसमें 16 से 29 केजी, 30 से
45 केजी, 46 से 70 केजी और 70 केजी से एवव। इसमें 16 से 29 केजी तक अलग डोज है, 30 से 45 केजी तक अलग डोज है, 46 से 70 केजी तक अलग डोज है और 70 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए अलग डोज है। दोस्तों जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, बाद में आप अपने एज अपने वेट के हिसाब से उसे कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आपका बॉडी वेट अभी कितना है और आप कौन सी दवा कितना एमजी खा रहे हैं। मैं यह चार्ट बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप खुद इसको समझ सकें। दोस्तों एमडीआर की ड्रग में बहुत सारे दवाइयां हैं जो कि आपके शरीर पर साइड इफेक्ट करती हैं, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 लिंक डाल दिए हैं ताकि आपको अगर किसी भी दवा से साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कौन सी दवा का साइड इफेक्ट में क्या हमें करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर अगर नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।